आप लड़कियों के पीछे घूमते हो, लड़की पटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितने रिक्वेस्ट करते हो, जरूरत पड़े तो उसके पैर भी पकड़ लेते हो, फिर भी लड़की नहीं पटती। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके ही आसपास ऐसे लड़के हैं जिनके पीछे लड़कियां घूमती हैं। तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो भी किसी ऐसे लड़के के पीछे ही घूम रही होती है। ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लड़कियां पागल हो जाती है। लड़की अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है, फिर भी ऐसे लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लड़के होंगे या तुम भी ऐसे लड़के को जानते हो जिनके पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कभी नहीं होता, लड़कियां लड़कों के पीछे नहीं पड़ती, तो पता लगाओ तुम जिस लड़की के पीछे हो वो भी किसी ऐसे लड़के के पीछे पड़ी होगी। तो सवाल ये उठता है, ये लड़के कौन है जिनसे प्यार करने के लिए लड़कियां मरी जा रही होती है। यार इसका जवाब जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब है ऐसे लड़के जो लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देते, और ऐसे लड़कों को ही लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। इनसे प्यार करने के लिए सारी लड़कियां मरी जा रही होती हैं। चलो इसके पीछे के रीजन को जान लेते हैं। रीजन नंबर वन, जो लड़कियां लड़कों को भाव नहीं देते, ऐसे लड़कों को देखकर लड़कियां सोचती हैं जो मुझे भाव नहीं दे रहा है वो किसी और लड़की को भाव नहीं देता होगा। जो लड़का किसी लड़की को भाव नहीं देता, वो अगर मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो वो पक्का मेरे अलावा किसी और लड़की को टाइम नहीं देगा। सो इस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो ये सब सोचकर लड़कियां ऐसे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उतावली हो जाती है, और लड़की ऐसे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है। रीजन नंबर दो है, आजकल सभी लड़कियां जानती है या सोचती है सारे लड़के लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। लड़के लड़कियों को देखते ही उन्हें इंप्रेस करने में या पटाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जब कोई लड़का लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता या उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता, ऐसे लड़कों को देखकर लड़कियां हैरान होती है। सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे घूमती है, बात करने के लिए मरे जा रहे होते हैं, ये लड़के में क्या है? तो यही चीज जानने के लिए लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे घूमती है। वो समझती है इस लड़के में कोई अलग क्वालिटी है। रीजन नंबर थ्री, जो लड़के लड़कियों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसे लड़कों के बिहेवियर लड़की के ईगो को हर्ट करता है। लड़की जब देखती है कि सारे लड़के मुझे प्यार करने के लिए पागल हैं, मेरे एक स्माइल पर लड़के मरते हैं, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लड़के मुझसे बात करने के लिए हजारों बहाने बनाते हैं, पर इससे खुद होकर बात करने पर भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरी तरफ तो ठीक से देखता भी नहीं, और यही चीज़ लड़की के दिल में उतर जाती है। तभी लड़की खुद के ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए उस लड़के को पटाने की कोशिश करती है। तो ऐसे लड़कों को पटाने के लिए लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। रीजन नंबर फोर, लड़कियों को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। वो नहीं चाहती उन्हें फ्री में कुछ मिल जाए, वो चाहती है वो अपनी सहेली को दिखा सके, देख ये बंदे को पटा लिया मैंने, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। लड़कियां फ्रेंड सर्कल में खुद के रुतबे को ऊपर उठाने के लिए ऐसे लड़कों को पटाना चाहती है जो लड़का उनकी सहेली को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आज हमने बात किया कि कैसे लड़कों को लड़कियां पटाना चाहती है, और ऐसा लड़का कैसे बनाया जाए जिसे लड़कियां पटाना चाहती है। अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सच्चा प्यार किया है तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।